हेलो फोर साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की ताजा खबर पर। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जी हां, हम बात कर रहे हैं जानी यानी राजकुमार के। राजकुमार ऐसे एक्टर थे जो अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। एक बार उन्होंने रामायण बनाने वाले डायरेक्टर रामानंद सागर को ऐसा करारा जवाब दिया था जिसे सुनने के बाद उन्होंने कभी उनके साथ काम नहीं किया। आखिरकार राजकुमार ने क्यों बेइज्जती की थी रामानंद सागर की? सत्तर से अस्सी के दशक के दिग्गज एक्टर जानी यानी राजकुमार अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको निर्माता निर्देशक रामानंद सागर और उनसे जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं। ये किस्सा है साल 1967 के आसपास का, जब रामानंद सागर उस दौर के बेहतरीन कलाकार राजकुमार के घर अपनी फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट लेकर गए थे। रामानंद सागर से स्क्रिप्ट सुनने के बाद राजकुमार ने अपने घर के पालतू डॉग को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम्हें यह स्क्रिप्ट पसंद है? क्या तुम ये फिल्म करोगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही राजकुमार ने ऐसा उस डॉग से पूछा तो वो इधर उधर मुंह करने लगा। तब राजकुमार ने रामानंद सागर की तरफ देखते हुए कहा, देखो मेरा कुत्ता भी इस फिल्म को नहीं करना चाहता है तो मैं कैसे करूंगा। राजकुमार ने यह बात कहकर रामानंद सागर को काफी बेइज्जत किया था। क्या है इस कहानी के पीछे का राज, आइए एक नजर डालते हैं। दरअसल ये किस्सा साल 1968 में आई फिल्म आंखें से जुड़ा है। इस मूवी में धर्मेंद्र ने लीड रोल प्ले किया था। ये धर्मेंद्र के करियर की सफल फिल्मों में से एक रही है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इस फिल्म के लिए रामानंद सागर की पहली पसंद धर्मेंद्र नहीं बल्कि उनके अजीज मित्र राजकुमार थे। उन्होंने सबसे पहले इसकी कहानी राजकुमार को सुनाई थी। पहले वो उन्हें ही साइन करना चाहते थे, लेकिन राजकुमार का तो स्वैग ही अलग था और उन्हें वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। खैर, पसंद आना और ना आना अलग बात थी, लेकिन उन्होंने तो रामानंद सागर की बुरी तरह से बेइज्जती कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि दिवंगत अभिनेता ने अपने पालतू कुत्ते को बुलाया और उसके सामने फिल्म की कहानी सुनाने लगे। फिर जब इसकी स्टोरी खत्म हुई तो उन्होंने कुत्ते से पूछा कि क्या तुम इस फिल्म को करोगे। इसके बाद राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, देखो मेरा कुत्ता भी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहता है तो भला मैं कैसे काम कर सकता हूँ। वही रामानंद सागर को राजकुमार की ये बात बहुत ही बुरी लग गई थी और वो वहां से चले गए। इसके बाद दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। साल 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म में रामानंद सागर ने धर्मेंद्र को कास्ट किया और ये सिनेमा घरों में हिट रही। फिल्म की हिट के साथ ही धर्मेंद्र का करियर भी चल पड़ा, वो सुपरस्टार बन गए। ये फिल्म उनके करियर की सफल फिल्मों में से एक गिनी जाती है। ये फिल्म धर्मेंद्र के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बॉलीवुड की खास खबरों के लिए देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।